नाज़रीन आवाज़ न्यूज़ में भली का आ रहा हूँ यहाँ अली रज़ा मंगी नज़र वजूद हर वक्त आए जी खास खास खबरों पर। पाकिस्तान में जो मुआशी बहरान है हम उसको कैसे एड्रेस कर सकते हैं, पाकिस्तान में जो जमहूरियत का मसाइल है हमको कैसे एड्रेस कर सकते हैं, जो जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स है वो किसी एक जज के हाथ में नहीं हो सकता कि वो अपना भाई का या अपना चेंबर का किसी को जज बना दे। जुडिशियल अपॉइंटमेंट का जो प्रोसेस है ये हाउस करेगा और हमने आईनी तरमीम किया कि ये आईने पाकिस्तान है, आप नहीं मानते हो तो घर चले जाए, मगर हम इस आईन को नहीं तब्दील कर, ये आईने पाकिस्तान है। कौमी असेंबली में अदालती सुधारा आन बाबत कमेटी जोड़ जो ठहरा यक राय मंजूर। पीपी चेयरमैन बिलावल भुट्टो सरदारी खिताब में अदालती सुधारन लाए गजल पार्लियामानी कमेटी जोड़ जो मुतालबो कंदे एतराफ कंदे चयो त जजन जी मुकररी बाबत 19 तरमीम मंजूर कर असांजी गलती हुई। मिसा के जमहूरियत में अवाम से अदालती सुधारन जो वायदो कयल हो पर धमकी दिनी वही ते वो त 18 तरमीम उड़ाए छींदी। बांगे टे अक्सरियत बावजूद वजी अजम नवाज शरीफ के हटाए खाउस पार्टी की सरबराही भी खसी वही। हाँ ये नो थी सके तो असा लाए हिकड़ो आईन त लाडले लाए ब्योल आईन। सुप्रीम कोर्ट रुगो एक चीफ जस्टिस जो न पर सभी जजिस जो नालो है। एक राज के न्यूट्रैलिटी से 70 साल जहा गुनाह माफ ना कर सकन। बिलावल भुट्टो जो कौमी असेंबली में खिताब। माजी में जडे भी मार्शल लॉ लगी मुल्क के नुकसान पौतो मार्शल लॉ के नतीजे में मुल्क बद थो। मौजिज़ ऐवान 1973 के आइन की माव है। आइन में हर इदारे की हद मुकर्रर कई वही है। आइन अंदर रही सभी के पैं किरदार अदा करण हों। अगुणो चीफ जस्टिस डी रात पान मुरादू नोटिस वो हो। वजीर आजम शहबाज शरीफ जो कौमी असेंबली में खिताब चई 2018 की इलेक्शन झरलू इलेक्शन हुई। गुजर इलेक्शन में दूरहान इलाक नतीजा शहर का अगया 75 साल में जेतरी सपोर्ट लादे के मिली एतरी कें के भी ना मिली। सिंध असेंबली के इजलास में मुख्तलिफ मामलों से बहस। इजलास में मुखालिफ रखवान अली मादर शेख की गिरफ्तारी खिलाफ पीटीआई मेंबर के ऐवान में घोट रोस्टरम आरो एहतजाज। डिप्टी स्पीकर की खातरी बाद पीटीआई मेंबर वापस सीटों से बैठा। पीटीआई मेंबर खुरम शेर जमाई मुकेश कुमार चावला जी विच में महमारी सख्त जुमलन की डेवट ऐवान मच्छी मार्केट बन गया। खुरम शेर जमा चवे तो मुखालिफ रगवान अली मादल शेख की गिरफ्तारी शर्म जोगो अमल है। बुधा वे तो अली मादल शेख के कड़े केस में गिरफ्तार किया वो। मुकेश कुमार जवाब दीदे तो मुखालिफ रगवान के जमीन के कब्जे वाले केस में गिरफ्तार किया वो है। एक औरत मेंबर के अस्पताल में गिरफ्तार किया वो उन वक्त उन शर्म ही हया केदा वो हो। पीपी अगवान सईद गनी जो चवण तो कें भी कानून में यो लिखल ना है तो कें भी मेंबर की गिरफ्तारी का अग इजाजत वठन जरूरी है। कायदे में लिखल है तो गिरफ्तार थो तो उनके जज वट पेश कर वो। वजीर आजम शहबाज शरीफ की सदारत हेठ वफाकी काबिनात इजलास सुप्रीम कोर्ट के फैसले का पोए वारी सूरत हाल जो जायजो वरतो वो। डीजीएफआईए के राह तायर के हटाए मोहसिन बट के नौ डीजीएफआईए मुकरर कर वो। नेक्टा के असरायतो बढ़ाण इदारे लाए 1 अरब रुपया जारी करने की मंजूरी। वफाकी घर वजीर राणा सनावला चवा है तो वफाकी काबीना पंजाब में गवर्नर राज लगाने बाबत गौर किया। पंजाब में मुंजी दाखिला से पाबंदी लगाई वही तो गवर्नर राज लगाइंदी। सदर वजीर आजम के मशवरे से अमल जो पाबंद है। जैसे अमल न कौ तो 10 दिन अंदर गवर्नर राज लागू थी वो। काबीना के इजलास में अदालती सुधारन बाबत भी वीचारे वो। पान मुराद नोटिस बैंच जोड़ने का अख्तियार सुप्रीम कोर्ट से चीफ जस्टिस और जजेस गर्जी फैसलो कर सकन था। काबीना इजलास का मीडिया से गाल फैसलो असा करो है। इस्लामाबाद में तब्दीली करें आनी है। राणा सनावला गैर सियासी अकुल का आरी है। संदस प्रेस कॉन्फ्रेंस से शर्म अचे थो। सुप्रीम कोर्ट के फैसले बाद वफाकी घरू वजीर जो गवर्नर राज वारू गालू शर्मनाक। पीटीआई अगवान फवाद चौधरी जो मीडिया से गालू चवे तो
गुजरियल नी सुप्रीम कोर्ट तारीखी फैसलों नो पीटीआई जी सिंध खास सवाए सजे मुल्क में हुकूमत थी चुकी है। पीटीआई चेयरमैन इमरान खान से पंजाब के वे वजीर चौधरी परवेज इलाही की मुलाकात पंजाब की नई काबीना की जोड़ जगह बाबत गालियों अगवाणन तरफा सिप्तेन खान के पंजाब असेंबली स्पीकर बनाने का फैसलो अवाम जो एतमाद किया है उन पूरा लहन की कोशिश कदासी अगवाणन में तफा परवेज इलाही चवे तो इमरान खान असेंबली चुनने की गाल कह तो एक घड़ी भी न लगती। नाणे वाले वफाकी वजीर मुफ्ता इस्माइल जवाहिद वजीर आजम गवर्नर स्टेट बैंक जानन था असा दिवाली तरफ नींदी मुल्क के डिफॉल्ट जहा खदशा खत्म हो चुका है। रुपये के दबाव एक या बिन हफ्तन दौरान खत्म थो पाकिस्तान में डॉलर की आमद जल्द ही आउटफ्लो का नाणे वारा जखीरा मुस्तकम दोस्त मुल्क पाकिस्तान की मदद कर चाहन था मुल्क के एक सुठो सौदो दे रहा है। रुपए के मुल में घटताई डॉलर 4.07 रुपया महंगो थी वो ओपन मार्केट में डॉलर 238 का 239 रुपये में विक्रो थे लगो। बिन ईं की हुकूमत लाए वाहद रस्त नयु चूडू कराने जो रही वो है। हुकूमत सुप्रीम कोर्ट खिलाफ गुथा लफ्ज इस्तेमाल कर रही है तवाजू मिल्कतू खपाइन की लगी पई है स्टॉक एक्सचेंज तबाह थी रही है डॉलर की उडाम जारी है। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद जो ट्वीट चवे तो इक्तदार हमदा शहबाज खत्म थो है चिड़ मौलाना फजल रहमान के थी रही है। रिथा मंदी न थियण करे कराची शहर जा मसाला बढ़िया है अवाम जा मसाला हल करण लाए कदम खणी रहा है। अख्तियार की हेठी सतह से मुंतकली जो हामी है लद पलान के करे शहर की आबादी में तेजी से वाद थी है। कराची शहर जा मसाला हल न थियण से असा सब लोही आयो वे वजीर मुराद अली शाह जो व्यापारियों के खिताब चवे तो असा कम शुरू कर नवा मसाला पैदा थन्दा अग जिते ब माड़ इमारतू होंद हुई उत अज वी माड़ इमारतू ठही वही हैं। सिंध असेंबली में मुखालिफ धुर जो अगवाण हलीमा दिल शेख जमीन अलॉटमेंट केस में एंटी करप्शन जाम शेरो टीम आरो पेश एंटी करप्शन कराची टीम जाम शेरो पहुंची खेस गिरफ्तार कर वरतो। हैदराबाद में बिलाल काका होटल मालकन विच में छेड़े बात पुलिस के किरदार बाबत जांच मुकम्मल एसएसपी हैदराबाद भिटाई नगर थाने के एएसआई समेत 6 अहलकारन के नौकरी में बरतरफ कर छो। एसएसपी बरतरफी के हुक्म एएसपी बल्दिया के जांच रिपोर्ट बाद में दिनों। भान सैदाबाद में जो एमएनबी ड्रेन के एक बेरो बीहर खारो 200 फुट पानी हेठ अची वाया गोठ इब्राहिम शाहानी सूरी खान साफरो शेर खान जान मोहम्मद रोजनानी समेत केतरा ही गोठ पानी हेठ गोठान जो जिले इंतजामिया खिलाफ एहतजाजी मुजाहरों गोठान जो चवण है तो इतला बावजूद केर बवाहर न पो करे ड्रेन जो पानी 2500 क्यूसिक होजन घुर्जे पर 15000 क्यूसिक पानी छड़े वो सिंधरे वे वजीर मुराद अली शाह तरफा बलोस्तान में बरसात सबब थे नुकसान के रुख जजार मुराद अली शाह चवे तो सिंध जो अवाम बलोस्तान के भावर से घर बीठल है लसबेला के मुतासर लाए 500 खेमा मोकलिया वह कराची के अब्दुल्ला शाह गाजी कोट के ए ब्लॉक के दाहिन खिलाफ एहतजाज करते ड्यूटी अटकाव जो केस दाखिल केस तपेदार अब्दुल हक शाहानी की फरियाद से सचल थाने से दाखिल किया केस में 13 जातल 150 अणजातल मानून के नामजद किया। सिंध समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहर में वक्फे से बरसात जो सिलसिलो जारी कराची झेलम मुजफ्फराबाद पिशावर चारसदा घोटकी सखर रोहड़ी थरी मीरवा ठुकराचो मोहजो दड़ो करूंदी सेराणी हिंगोर जहा सगियों में बरसात हेठाई वाले इलाक में पानी भेजी वो सिंध अंदर इंदड़ 3 दिन तक बरसात जारी रहने का इम्कान मौसमियात खातिर चवण है तो कराची हैदराबाद ठटे बदीन थरपारकर
सखर लारकानी कश्मीर शिकारपुर दादू में टिन ढीं तीन बरसात जो अम्कान है। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाक में बोरबारी सूरतार कोट लालू में पोरे तो जाहिद खासकरी की घर की छित किरी पी निगरी फौत। खैरपुर में निजामानी पाड़े में बरसात सबब घर की छित किरी पी 11 जना जख्मी। गुड बैराज वट पानी के वहकन में तेजी से आवाज वो सिलसिलो जारी। गुड बैराज वट नंडी बोर्ड बरकरार। गुड बैराज वट पानी के मथा वहकड़ो 283,000 क्यूसिक हेठाँ वहकड़ो 272,937 क्यूसिक रिकॉर्ड किया वो। 24 कलाक दौरान गुड बैराज वट 10,000 क्यूसिक पानी के वहकड़न में बाद थी। घोटकी के शांकी नगर पाड़े में नौजवान हमदुल्ला बिजली जो करण लगन सबब फौत। लाश अस्पताल मुंतकिल जरूरी कार्रवाई बाद वाकने वाले। सेवण में बरसात का पोए नए गाज पानी जो वड़ो वहकरो। मंचरण में दाखिल। मंचरण में पानी की सतह 17 फुटन ताई पहुंच गई। मंचर में मुसलसिल तेजी से चार्ज जो सिलसिलो जारी। सूरत हाल गणती जो दी इम्कानी बोर्ड जो खतरो। अड़ल हेड अड़ल ट्रेल जा दर आपाशी इंतजामिया हंगामी बुनियादन ते खोले छ्या। सेवण जो हिफाजती एल पी बंद कमजोर इंतजामिया गायब। शहर में बेचैनी वाली सूरत हाल। सगियों में बरसात सबब बोर के पानी का बचाव लाए डिनल एसएम बजा बंद के बिन्हीं पासन का रूणी पैजी वह। एसएम बजा बंद से मुकर्र अमलो लायल। सिंधु दरिया में लगातार चार सबब कच्छ में वे पैमाने से बोर अचण का इम्कान। एसएम बचा बंद की हालत से इलाके वास में गणती पखड़ियल। बाहि पांदी भरपास वन इलाक में खुराक की खोड़ सबब केतरा बारा मुख्तलिफ बीमारियों में विकोड़ी वाया। गोठ जाम बबर में गोठाने जमालद्दीन की धी गैस्ट्रो विगे फॉस सेहत खाते तरफा कें भी किस्म जहा उपा निमता वाया। खैरपुर वेझो छेड़ीवार इलाके में बरसात के पानी के निकाल तुरी में झेड़ो लठ लगने सबब 10 जना जख्मी अस्पताल मुंतकिल।